कोई भी आता है तो मेरा नाम तो लेता ही है कि कहाँ है दीदी बुलाओ। आपको भी लगता होगा नहीं, रोजर्स क्या बीमार रहती है, उसको भी मैं हैंडल कर देती हूँ, तो भी मैं ब्लॉग बना देती हूँ। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज दिन की शुरुआत 10 बजे से हो रही है और अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। और आज मैंने बाल धोए हैं, कल मैंने ऑयलिंग किया था, सो इसीलिए, क्योंकि अभी मेरा जो बालों का शेड्यूल है वो बिगड़ गया था, क्योंकि ज्योति आ नहीं रही है और मेरी भी तबीयत ख़राब थी तो मैं जा भी नहीं पा रही थी सैलून पर टाइम से, और वो भी नहीं आ रही, उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए, और अभी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं आ रही है। तो क्योंकि मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है और घर शॉप सब एक साथ नहीं हो पाता फिर, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिलती है तो अच्छा है ना। और यहाँ पर हमारे मिट्टू राजा इतना ज़्यादा बोलते हैं जब मैं व्लॉग करती हूँ तब, पै बस अटेंशन चाहिए इनको, अटेंशन कि हमको अटेंशन दो पूरा टाइम, कैसे अटेंशन दे। और यहाँ पर बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में है दूध और ब्रेड। कल मेरा व्रत था तो भूख लग गई है सुबह सुबह, सुबह क्या 10 बज गई है तो अब भूख तो लगेगी ना, खा लोगों की तो खाने का टाइम हो गया, कितने जने 10 बजे खा भी लेते हैं सुबह का, इसीलिए अभी फटाफट से करूँगी ब्रेकफास्ट एंड देन मैं खाना प्रिपेयर करके फिर चलूँगी शॉप पर, क्योंकि कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, कॉल्स आ गए हैं तो जल्दी जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी खाना खा के मैं हो चुकी हूँ फ्री, तो चलते हैं शॉप पर, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट था तो मैं पहले निपटा के आ गई हूँ खाना खाने से पहले, क्योंकि वो थोड़ा अर्जेंट था इसलिए। तो अभी चलते हैं शॉप पर, चिकू अभी लेने आ जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग। चलो आज सैलून पर शूज़ पहन के जाती हूँ, क्योंकि मुझे पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं इसलिए, तो मैं निकाल के तो कब से ही रखे पर रोज़ भूल जाती हूँ पहनना। शूज़ सॉक्स ले लिए, पहन लिए मैंने शूज़, दिखा देती हूँ अच्छे लगे या ना लगे, पर मुझे क्या पैर दर्द करते तो वो तो कम से कम दर्द नहीं करेंगे। तो चलिए आ गई हूँ शॉप पर, और आज ऑफ़र चालू हो गया है ऑफलाइन कस्टमर्स के लिए, अगर आपको भी ऑनलाइन बाय करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर दो, और ऑफ़र चालू हुआ है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये ऑफ़र स्टार्ट हुआ है, ये ओनली फॉर स्पेशल राखी फेस्टिवल के लिए है, ये राखी तक रहेगा ऑफ़र, और इसके अंदर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM कर दो, क्योंकि ये ऑफ़र शायद क्या वेबसाइट पे अपडेट नहीं है, ये ओनली फॉर ऑफलाइन कस्टमर्स के लिए है, और ऑनलाइन भी वही जो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे जो चाहिए वो, और ये ऑफ़र 1000 की शॉपिंग के ऊपर यानी अप्लाई होगा। बहुत अच्छा एक्साइटिंग ऑफ़र आया है, प्लीज़ परचेजिंग करो। और अभी सैलून में कस्टमर नहीं है तो मैं आगे बैठी हूँ, आगे कोई कस्टमर आएगा तो वो तो कोई भी आता है तो मेरा नाम तो लेता ही है कि कहाँ है दीदी बुलाओ, तो उनको हैंडल करना सही हो जाता है, यानी उनको मुझसे हैंडल होना सही लगता है ऐसा शायद मुझे लगता है, क्योंकि मैं होती हूँ तो उनको ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है, तो मैं आगे पीछे घूमती घूमती रहती हूँ। अभी थोड़ी ज्योति नहीं है तो डिस्टर्ब रहता है आगे पीछे, क्योंकि आगे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ अभी। आज क्या है, पार्लर में थोड़ा सा काम कम है शायद क्या है कम थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रील बनाई जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे एक वॉइस है जो अच्छी लग रही है, तो उसी के ऊपर मैंने रील बना दी है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो कर लो, क्योंकि मैं कुछ कुछ टाइम में बनाती रहती हूँ और स्टोरी तो मैं रोज़ पोस्ट करती हूँ। अगर आपको एकदम अपडेट रहना है तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, क्यों ना। और अच्छी अच्छी रील्स बनाई है यार, जाके लाइक करो, आपके लिए तो बनाई है। अभी मैं जा रही हूँ आगे वाली शॉप पर, कैमरा अंदर ही रख दूँगी, कुछ शूट करने जैसा होगा तो शूट करूँगी। अभी जा रही हूँ मैं घर पर, 5:30 हो गई है तो कोई कस्टमर भी नहीं है तो घर पर चली जाती हूँ ऐसा सोच रही हूँ, तो जब भी आ गए चली जाती हूँ। अभी आ गई हूँ घर, और मैं घर आके वापस से गई थी कहीं पर, क्योंकि मुझे है ना शायद हमारे यहाँ पर बोलते गोरा चढ़ गया है, तो गोरा अम्मा ही दोनों कुछ हो गए थे, क्योंकि मुझे पेट में दर्द हो रहा था तो वो सही करवाने के लिए गई थी। तो अभी घर आ गई हूँ, अंगूठे दोनों ये बांध दिए हैं,
क्योंकि यूं बोला जाता है ना कि अंगूठे बांध देते तो वो वापस से नस जो होती है वो खिसकती नहीं है, तो सही कर दिया है। अब थोड़ा सही लग रहा है मुझे, जो पेट में मुझे अलग अलग से दुख रहा था वो बंद हो गया है। अब उन्होंने बोला था कुछ खा लेना, तो अभी थोड़ा सा पानी पी लूँगी और फिर अभी बना दूँगी चाय और खाकर खाऊँगी। खाने का भी हो रहा है इसलिए। यहाँ पर बन रही है मेरी चाय और ये रहा मेरा खाकरा। जैसे ही चाय बनती है, चाय और खाकरा दोनों खाए जाएंगे। चाय खाकरा खाकर पीकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आपको भी लगता होगा नहीं, रोज रोज क्या बीमार रहती है, पर क्या करूँ यार, मेरी लाइफ ही ऐसी है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है मुझे। उसके भी साथ मैं खुश रह जाती हूँ, उसको भी मैं हैंडल कर देती हूँ, तो भी मैं व्लॉग बना देती हूँ और तो भी आप लोग मुझे देख के खुश हो जाते। आज बन रहा है चिकू के लिए पनीर का सलाद, वो कुछ अलग स्टाइल में बन रहा है। इसके अंदर टमाटर नहीं है क्योंकि चिकू को टमाटर नहीं पसंद है, इसलिए तो इसको डायरेक्टली मैं तो पनीर टिक्की के टाइप तो इसको मैंने सेट कर दिया है और अब इसको मैं डायरेक्ट फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह करके और फिर अच्छे से पका लूँगी। एंड देन इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कॉर्न चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो जिंजर गार्लिक पाउडर थोड़ा सा यानी ऊपर क्या कहते हैं स्प्रेड कर दूंगी, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक भी साथ में, क्योंकि नमक के बगैर तो टेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए ये कैसे बन रहा है देखो। और जैसे ही कोयला जलता है फिर मैं इसके अंदर कटोरी के अंदर ये कोयला रखूँगी और ऊपर से घी डाल दूँगी जो स्मोक क्रिएट करेगा। स्मोक से इसका टेस्ट बारबेक्यू जैसा आ जाएगा। हालांकि ये बारबेक्यू है बट अंगारों पे नहीं किया है, इसलिए ये पनीर सलाद ही बन रहा है पनीर टिक्के की स्टाइल में। ये चिकू का पनीर सलाद है जो बन चुका है, अब उनको देते हैं। कितना अच्छा मैं प्लेट करके लाई हूँ, फिर बोलते हो मेरे को मत लो व्लॉग में। चलो खाना वाना सब हो गया है, किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया है और अभी मुझे आ गया है थोड़ा सा काम, तो मैं यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। शायद मैं लेट हो जाऊँगी इसलिए, अब क्या काम आया है कल बताऊँगी। तो चलिए ओके बाय। आज का व्लॉग यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, जो कि मैंने बता दिया है मेरी आईडी है रोमा निपेश। आप जाके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, मेरे फोटोज़ को लाइक करो, जो भी मैं ट्यूटोरियल बनाती हूँ उसके डालती रहती हूँ और जो मेरी लाइफ में डेली में चल रहा है वो मैं स्टोरी में भी डालती रहती हूँ, तो आपको देखने का मज़ा आएगा। बाय।